सीरीज विद दीप में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द आर्क सीजन 1 के एपिसोड नंबर 6 की कहानी को। दोस्तों, हमने इस सीरीज से जुड़े हुए सभी प्रीवियस एपिसोड को एक्सप्लेन किया हुआ है और उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें एक मीटिंग को दिखाया जाता है जहां गार्नेट सभी लोगों को उनके काम बांट रही है और बोल रही है कि हमें सारे काम सुचारू रूप से चालू रखने होंगे। एवा से फ्यूल के बारे में पूछा जाता है तो एवा बोलती है कि हमारे पास केवल 50% फ्यूल है और यह फ्यूल प्रोक्सी बीच तक पहुँचने के लिए काफी नहीं है। लेकिन ब्राइस बोलता है कि एलिशिया ने एक तरीका ढूंढा है कि हम आने वाले किसी भी एक ग्रह से यूरेनियम 238 को उठा लेंगे जिससे हम प्रोक्सी बी तक आसानी से पहुंच जाएंगे। बाद में ये सभी हॉल के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर अंगुस इन्हें सरप्राइज देता है और बोलता है कि मैंने अपनी फसल उगा ली है और अपनी फसल के कुछ सैंपल यहाँ के लोगों को भी खिलाता है। इसे देखकर सभी लोग खुश होते हैं। अंगुस बताता है कि अभी तो हमने थोड़ी सी मेहनत की है, इसी तरह की फसल हम उगाते रहेंगे। लेफ्टिनेंट ब्राइस यहाँ से चला जाता है लेकिन बीच रास्ते में ही वह बेहोश हो जाता है। वही हम डॉक्टर संजीवनी को देखते हैं जो बहुत ज्यादा परेशान है। उसके पास फेलिक्स आता है और बोलता है कि तुम इतना स्ट्रेस मत लो, तुमने अब तक बिल्कुल भी आराम नहीं किया है, इसीलिए तुम जाकर आराम कर लो। अगर कोई पेशेंट आता है तो मैं देख लूंगा, मैंने भी मेडिकल की पढ़ाई की है। डॉक्टर संजीवनी वहाँ से चली जाती है और फेलिक्स डॉक्टर संजीवनी की नशीली पिल्स ले लेता है। वहीं जब ब्राइस को होश आता है तो वह अपने आप को एक जगह सोया हुआ पाता है। उसे नहीं पता कि उसे यहाँ पर कौन लेकर आया है। वह येलेना से भी पूछता है लेकिन येलेना को भी नहीं पता कि ब्राइस को यहाँ पर कौन लेकर आया है। वही लेन भी सीधा गार्नेट के पास जाता है। गार्नेट के पास यहाँ पर अल्कोहल है। वह बोलती है कि आज रात मैं थोड़े से रूल तोड़ना चाहती हूँ और तब गार्नेट और लेन यहाँ पर थोड़ी थोड़ी ड्रिंक करते हैं। गार्नेट यहाँ पर डॉक्टर हाल को मिस करती है और बोलती है कि मेरे डैड के अलावा वही मेरे सब कुछ थे, मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ। साथ ही बताती है कि वो इस स्पेसशिप पर भी थे लेकिन जब हम किसी अनजान चीज से टकराए तब वो मर गए। लेन बोलता है गार्नेट से कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। गार्नेट बोलती है कि तुमने मेरे सीक्रेट को सभी लोगों को बताया, एक अच्छा लीडर यही करता है और शायद अब हम दोनों के बीच में कोई सीक्रेट भी नहीं होंगे। तब तक ब्राइस इन दोनों को भी ब्रिज पर बुला लेता है। ये दोनों ब्राइस के पास चले जाते हैं। ब्राइस बोलता है कि हमने कैसे प्लेनेट को ढूंढा है जिसके ऊपर यूरेनियम 238 है। लेकिन एवा यहाँ पर आती है और बोलती है कि एक दिक्कत है कि हमारे पास केवल उतना ही यूरेनियम 238 है जितने यूरेनियम तक हम उस प्लेनेट तक पहुँच सकते हैं। एलिशिया भी यहीं पर होती है। वह एक तरीका बताती है। वह बोलती है कि रास्ते में एक बहुत तेज चमकता हुआ तारा है, हम उस तारे की ग्रेविटी का इस्तेमाल करेंगे और हम अपनी इस स्पेसशिप को प्रकाश की गति से उस प्लेनेट की तरफ धकेल देंगे जिसके ऊपर यूरेनियम 238 है। साथ ही हम अपनी सोलर सेल्स को भी ऑन कर लेंगे, इससे हमें और भी ज्यादा स्पीड मिलेगी। वहीं लेफ्टिनेंट ब्राइस यहाँ से चला जाता है। उसके पीछे पीछे एवा भी जाती है। एवा बोलती है कि कल रात तुम बेहोश पड़े थे, मैंने ही तुम्हें बेड पर लाकर लेटाया था। साथ ही बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे तुमने शराब पी रखी हो। लेकिन लेन एवा से बोलता है कि मेरे बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। एवा बोलती है कि शायद मुझे तुम डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। लेकिन ब्राइस गुस्से में बोलता है कि इन सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम इन सब से दूर रहो। इसीलिए एवा को भी गुस्सा आ जाता है। वह बोलती है कि तुम मुझसे ऐसे गुस्से में बात कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारे बारे में सभी को बता सकती हूँ। तब ब्राइस शांत होकर एवा को समझाता है और बोलता है कि प्लीज मेरे बारे में किसी को मत बताना, और इतना कहकर ब्राइस यहाँ से चला जाता है। वही हम लेन को देखते हैं जो कैट के पास आया हुआ है और वह कैट से बोलता है कि अगर हम कोई सीक्रेट दबा कर रखे हुए हैं तो क्या इससे दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। तो कैट बोलती है कि हाँ, इससे सर में दर्द और पेट में दर्द हो सकता है, इसीलिए तुम जाओ तो अपना सीक्रेट किसी को भी बता सकते हो। इसीलिए वह अपना सीक्रेट कैट को बता देता है और बोलता है कि हमारे इस स्पेसशिप पर विलियम ट्रस्ट है। इतना सुनते ही कैट हैरान हो जाती है और वह लेन से बोलती है कि इस बारे में तुम किसी को भी मत बताना क्योंकि इस शिप पर ऐसे बहुत सारे हैं जो उसे मारना चाहते हैं क्योंकि मैंने सभी लोगों का सेशन लिया था। लेन बोलता है कि क्या मुझे यह बात गार्नेट को बतानी चाहिए। लेकिन कैट बोलती है कि तुम यह बात किसी को मत बताना। लेन यहाँ से उसी कमरे में जाता है जहाँ पर दो स्लीपिंग चैम्बर हैं और यहाँ पर वह एक न्यूज देखता है जो बहुत ही पुराना वीडियो होता है जिसमें विलियम ट्रस्ट और उसकी पत्नी होती है। यह पूरा आर्क 01 विलियम ने ही बनाया था और विलियम इस वीडियो में बोल रहा है कि हम आर्क 05 में यहाँ से जाने वाले हैं। इसीलिए लेन थोड़ा हैरान हो जाता है कि ये लोग अगर आर्क 05 में जाने वाले थे तो आर्क 01 में ये लोग क्या कर रहे हैं। लेन को यहाँ पर एक और कमरा दिखाई देता है जहाँ वह इस कमरे के अंदर चला जाता है। इस कमरे के अंदर जाते ही लेन को पता चलता है कि इस कमरे के अंदर बहुत सारे सैंपल रखे हुए हैं। लेन को नहीं पता कि ये सैंपल किस चीज के लिए यूज होने वाले हैं। इनमें से ज्यादातर सैंपल्स जानवरों के होते हैं। वही डॉक्टर संजीवनी भी परेशान है क्योंकि उसे अपनी नशे वाली पिल्स नहीं मिल रही। वहीं पर फेलिक्स आता है और वह डॉक्टर संजीवनी से बोलता है कि तुम्हारी पिल्स मैंने चुरा ली हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम धीरे धीरे नशे का शिकार हो जाओ, इसीलिए प्लीज इन सब चीजों को छोड़ दो। डॉक्टर संजीवनी बताती है कि इस पूरे स्पेसशिप पर केवल मैं ही एक डॉक्टर बची हूँ, इसीलिए मुझे पेशेंट को देखना पड़ता है, मुझे जागना पड़ता है, इसीलिए मुझे जागने के लिए वो पिल्स लेनी पड़ती हैं। फेलिक्स बोलता है कि इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूंगा,
तुम आराम कर लो क्योंकि मैंने मेडिकल की पढ़ाई की है, इसीलिए इस डिपार्टमेंट को मैं देख लूंगा। वहीं तब तक इनका स्पेसशिप भी एक तारे तक पहुंच जाता है जो बहुत ही ज्यादा चमकीला होता है। ये लोग इस तारे की ग्रेविटी का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, साथ ही अपनी सोलर सेल्स को भी खोल लेते हैं, लेकिन इनमें से एक सोलर सेल्स फट जाती है जिसकी वजह से इनके सिस्टम काम करने थोड़े बंद कर देते हैं और इनका स्पेस स्टेशन एक जगह पर रुक जाता है। इसीलिए इनमें से गार्नेट फैसला करती है कि मैं वहां पर जाऊंगी और इस सोलर पैनल को ठीक करूंगी। वह यहाँ से बाहर चली जाती है और सोलर पैनल को ठीक कर देती है। इससे इनका आर्क 01 स्पेस स्टेशन फिर से काम करना शुरू कर देता है और फिर से स्पीड पकड़ लेता है, लेकिन इसमें गार्नेट का चेहरा जल जाता है क्योंकि इस तारे में बहुत ज्यादा गर्मी थी। तब वहीं पर लेन आता है जो गार्नेट की मदद करता है। वहीं अब इनका स्पेस स्टेशन भी उस ग्रह पर आगे बढ़ने लगता है जिस ग्रह पर यूरेनियम 238 है। लेन तब तक गार्नेट को फेलिक्स के पास लेकर आता है। गार्नेट को चोट लगी हुई है, इसी वजह से इस पूरी स्पेसशिप का कैप्टन अब लेन बन जाता है और लेन सीधा ब्रिज पर आता है जहां पर उसे सूचना मिलती है कि हम उस ग्रह पर तो चले जाएंगे लेकिन हमें नहीं पता कि उस ग्रह पर वेपन भी हो सकते हैं और पिछली बार की तरह शायद हमारा नुकसान भी हो सकता है, इसीलिए हमें पहले जाकर वहां पर पता करना होगा। इसीलिए ब्राइस फैसला करता है कि हमारे पास एक छोटा जहाज है और मैं उसकी मदद से उस ग्रह पर चला जाऊंगा और पता करूंगा कि उस ग्रह पर कैसा माहौल है। तब एवा बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जाओगे तो मैं तुम्हारी सीक्रेट बता दूंगी। इसलिए ब्राइस अपने साथ एवा को भी ले जाता है। ब्राइस और एवा अपने छोटे प्लेन में बैठकर यहाँ से ग्रह के लिए रवाना हो जाते हैं। एवा बोलती है कि मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है, आखिर तुम्हें ऐसी क्या बीमारी है जिसे तुम छुपाने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ तक कि डॉक्टर संजीवनी को भी नहीं बता रहे। लेकिन तब तक लेफ्टिनेंट ब्राइस बेहोश हो जाता है। एवा किसी तरह से उसे उसमें लाने की कोशिश करती है, उसके मुंह पे कुछ पानी की बूंदें डालती है, इससे ब्राइस को वापस से होश आ जाता है। ब्राइस को होश आते ही वह एवा से बोलता है कि शायद तुम मुझे प्यार करती हो और शायद तुम मुझे किस करने वाली थी। एवा को गुस्सा आता है और वह ब्राइस को थप्पड़ मारती है और बोलती है कि मुझे अपना सीक्रेट बताओ वरना मैं सभी लोगों को तुम्हारे बारे में बताऊंगी। तब ब्राइस बोलता है कि मुझे ग्लैम्पकिंस बीमारी है और इस चीज का कोई क्योर नहीं है। एवा बोलती है कि तो इसीलिए तुम अपनी जान जोखिम में डालते हो। एवा बोलती है कि अगर तुमने इसका इलाज नहीं किया तो ये समय के साथ बढ़ता जाएगा, इसीलिए तुम्हें अपना इलाज करवाना चाहिए। लेकिन ब्राइस बोलता है कि मैं अपनी जिंदगी बेड पर नहीं गुजारना चाहता, मैं जितने समय जिंदा रहूंगा मैं स्पेसशिप के लिए काम करता रहूंगा। एवा भी वादा करती है कि वह तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताएगी। वहीं गार्नेट को भी होश आ जाता है, उसका काफी चेहरा भी जल गया है। उसके पास डॉक्टर संजीवनी भी होती है। गार्नेट डॉक्टर संजीवनी से बोलती है कि शायद तुम कुछ छुपा रही हो, तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन डॉक्टर संजीवनी बोलती है कि मैं कुछ नहीं छुपा रही। लेकिन फिर वह बता देती है कि मैं जागने के लिए नशे वाली पिल्स का इस्तेमाल करती थी लेकिन अब मैंने उनसे छुटकारा पा लिया है। तब गार्नेट को ब्रिज पर लाया जाता है जहाँ पर लेन गार्नेट को देखकर खुश है और उसका दोबारा से ब्रिज पर स्वागत करता है और उसे सारी सिचुएशन बताता है कि हम एक प्लेनेट के ऊपर जा रहे हैं और उस प्लेन के अंदर ब्राइस और एवा हैं। गार्नेट बोलती है कि शायद मैं यहाँ पर होती तो मैं यही फैसला लेती, लेकिन तुमने ब्राइस के साथ एवा को क्यों भेजा है ये मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वहीं एवा और ब्राइस भी इस पूरे प्लेनेट को स्कैन करते हैं और अपने स्पेसशिप पर कॉन्टेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि हमें इस प्लेनेट के ऊपर कुछ भी नहीं मिल रहा, इस प्लेनेट पर यूरेनियम 238 है ही नहीं। एलिसिया भी यहीं पर होती है, वह बोलती है कि अच्छे से चेक करो, लेकिन ब्राइस एक ही बात बोलता है कि इस प्लेनेट पर कोई भी गैस नहीं है। एलिसिया बोलती है कि तो एक काम करो, तुम इस प्लेनेट की दूसरी साइड देखो, वहां से स्कैन करो, शायद वहां पर कुछ मिल जाए। जब ये दोनों अपने प्लेन को उस तरफ ले जाते हैं तब इस ग्रह के दूसरी साइड एक चीज होती है जिसे देखकर ये दोनों हैरान रह जाते हैं और इनके सामने होता है बहुत बड़ा आर्क 03। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर पूरा हो जाता है। हम आपसे मुलाकात करेंगे और भी नई वेब सीरीज के साथ, तब तक खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।